नमस्कार, न्यूज लाइव mpcc.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। मोदी ने आज सीधी और जबलपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मोदी आज सीधी और जबलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोदी यहां सीधी में भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक और जबलपुर में राकेश सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि मोदी इससे पहले भी प्रदेश का एक दौरा कर चुके हैं, पर मतदान की तारीख नजदीक आने पर एक बार फिर मोदी चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश में आ रहे हैं। जबलपुर और सीधी दोनों सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। दोनों ही सीटों पर भाजपा ने पिछली बार के विजयी प्रत्याशियों को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने सीधी से रीति पाठक के खिलाफ अजय सिंह और जबलपुर से विवेक तन्खा को टिकट दिया है। प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनेता पूरे जी जान से प्रचार में जुट गए हैं। प्रदेश के मुखिया कमलनाथ भी छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा की कई जगहों में 10 जनसभाएं करेंगे। प्रदेश के मुखिया कमलनाथ 26 और 27 अप्रैल को छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा की कई जगहों में जनसभाएं करेंगे। जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बताया कि कमलनाथ 26 अप्रैल को दोपहर 11:15 पर छिंदवाड़ा के सिसोरा मटका में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 12:45 पर हरदा के खिड़किया में और दोपहर 2:15 पर बैतूल के भौरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे इसी दिन शाम 3:45 पर छिंदवाड़ा जिले के पाढ़ुना में और शाम 5:15 में लूडी खेड़ा में और शाम 6 बजे सोनसर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कमलनाथ रात में छिंदवाड़ा में ही रुकेंगे। अगले दिन कमलनाथ छिंदवाड़ा जिले में 4 सभाएं करेंगे। वे दोपहर 12 बजे उमराहर, 1 बजे परासिया, 2:30 बजे दमुआ और शाम 3:45 पर जामई में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिलासपुर अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरण के 6 दिन बाद मासूम को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बिलासपुर से 6 दिन पहले अगवा हुए मासूम विराट को पुलिस ने सफलतापूर्वक घर पहुंचा दिया है। शुक्रवार की सुबह पुलिस ने जब मासूम को उसके परिवार वालों को सौंपा तो सभी की आंखें आंसुओं से भर गई। बीते 5 दिनों से अनजान चेहरों के बीच परेशान 5 साल का विराट अपनों के बीच पहुंचा और देर तक मां के पास रहने के बाद उसने राहत की सांस ली। वहीं अपने कलेजे के टुकड़े को सही सलामत देख घर वालों की खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। विराट को पुलिस के विशेष दल ने सुबह करीबन 5 बजे पन्ना नगर कॉलोनी में एक घर से बरामद किया। घटना में 5 से अधिक आरोपियों के शामिल होने की खबर है, जिसमें से अधिकांश आरोपियों को पकड़ लिया गया है। बिलासपुर SP ने इस बात की पुष्टि की है। फिलहाल किन वजहों से मासूम का अपहरण हुआ था इसका पता नहीं चल पाया है। कितना तनाव था आगे अभी इस बीच में आपको? बहुत, अपना तो पूरा परिवार का नाम है, मेरे दोस्त यार रिश्तेदार सब कोई पूरा बिलासपुर का नाम है, आक्रोश था एकदम। पुलिस के कार्रवाई से खुश है? बहुत बहुत खुश हूँ। क्या क्या अपने शब्दों में पुलिस को किस तरह से थैंक यू कहना चाहेंगे? ये शब्द नहीं है करने के लिए। मैं कहूंगी कि मेरा लाडला सही सलामत आ गया और बाकी मेरे पास शब्द नहीं है इस समय कहने के लिए कि मैं कितनी खुश हूँ अपने बच्चे के लिए, कि मैं मेरे पास शब्द नहीं है अपने लाल के लिए। और मैं सभी सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिसने मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की है, उन सबको मेरा सत सत नमन है, सत सत। और अब एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां निर्दलीय उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में प्रज्ञा ठाकुर ने यह कदम उठाया है। भोपाल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरने वाली प्रज्ञा ठाकुर ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर का नाम BJP की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मिलता जुलता था और BJP को डर था कि कहीं नामों की समानता के कारण साध्वी प्रज्ञा के वोट न कट जाएं। लेकिन BJP को राहत की सांस तब मिली जब प्रज्ञा ठाकुर ने अपना नामांकन वापस ले लिया। प्रज्ञा ठाकुर ने साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में नाम वापस लिया है और ये शुक्रवार को साध्वी प्रज्ञा के घर पहुंची, जहां साध्वी प्रज्ञा ने प्रज्ञा ठाकुर को भगवा वस्त्र ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मानवीय अवतार शिवपुरी में देखने को मिला, जब उन्होंने चक्कर खाकर गिरे एक बुजुर्ग को सहारा दिया और उसकी सेवा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को अक्सर उनकी राजसी ठसक के लिए जाना जाता है, लेकिन शिवपुरी के लालगढ़ में सिंधिया का एक अलग ही मानवीय अवतार देखने को मिला। लालगढ़ में सिंधिया की सभा के दौरान एक बुजुर्ग चक्कर खाकर गिर पड़ा। सिंधिया तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे सहारा दिया और एक परिवार के सदस्य की तरह पानी से भीगी तौलिया लेकर बुजुर्ग का पसीना पोंछा।
सिंधिया ने बुजुर्ग के सिर पर कपड़ा भी बांधा और उसका हालचाल जाना। बुजुर्ग के ठीक होने पर सिंधिया वहां से रवाना हो गए। देवास में कोयले से भरे एक ट्रक में शुक्रवार को आग लग गई। आग लगने से ट्रक में रखा कोयला जलकर खाक हो गया। देवास में शुक्रवार को कोयले से भरे एक ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक और उसमें रखा कोयला जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रक स्टार्ट करते ही ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद ट्रक का चालक जान बचाकर ट्रक से नीचे कूद गया। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। हालांकि हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के औटनपुरा चौराहे की बताई जा रही है। इंदौर के संजीवनी सेवा संगम के राज को एक इटालियन दंपति ने गोद लेने का फैसला किया है। इटालियन दंपति के इस फैसले से संजीवनी सेवा संगम में खुशी का माहौल है। इंदौर के संजीवनी सेवा संगम में उस समय खुशियां फैल गई जब इटली के एक दंपति ने 6 साल के राज को गोद लेने का फैसला किया। राज मानसिक रूप से कमजोर है और शायद इसी वजह से उसके माता पिता उसे संजीवनी सेवा संगम में छोड़ गए थे। पर हॉलीवुड फिल्म के लायन की तरह राज की जिंदगी भी बदली और कारा के पोर्टल पर इटली के एक दंपति ने राज की फोटो पसंद की, जिसके बाद दंपति इंदौर आए और राज को गोद ले लिया। इस दंपति को राज के IQ लेवल कम होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि उनके यहाँ ऐसी सुविधा है जिससे बच्चों का IQ लेवल बढ़ाया जाता है। वहीं राज को गोद लेने के दौरान उसकी नई मां राज को गोद में लेकर ही बैठी रही, जबकि उसके भाई पूरे समय उसके मजे लेते रहे। प्रदेश के मुखिया कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा में व्यापारी मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कमलनाथ ने छिंदवाड़ा मॉडल की जमकर तारीफ की। प्रदेश के मुखिया कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा में व्यापारी मिलन समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा मॉडल की जमकर तारीफ की। कमलनाथ ने कहा कि यदि आप कहीं भी जाओ तो छाती ठोक कर कहना कि छिंदवाड़ा से आया हूँ। सभी जगहों से संपर्क जुड़ने से छिंदवाड़ा में व्यापार की संभावनाएं बेहतर हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन 40 सालों में मैंने सभी की चिंता करते हुए क्षेत्र में विकास किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी और आम नागरिक उपस्थित रहे। आप तो छाती ठोक कर देश में कहीं जा सकते हैं, कह सकते हैं मैं छिंदवाड़ा से हूँ। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को मकड़ी मानते हैं। यह हम नहीं कह रहे, खुद सिंधिया ने एक सभा में कहा है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को मकड़ी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र के अशोकनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने ये बात कही। सिंधिया का कहना है कि जिस तरह मकड़ी दीवार पर जाल बुनती है, उसी तरह उन्होंने गुना शिवपुरी अशोकनगर में सड़कों का जाल बुन दिया है। सिंधिया का कहना था कि वे गुना शिवपुरी अशोकनगर की मकड़ी हैं। अब सिंधिया के इस बयान को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ MP में कांग्रेस के मंत्री सुखदेव पांसे CM कमलनाथ को लौह पुरुष बता रहे हैं, वहीं पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता सिंधिया खुद को मकड़ी साबित करने पर तुले हैं। चारों तरफ एक सड़कों का जाल मैंने बिछा दिया है। जैसे दीवार पर कभी कभी मकड़ी का जाल आ जाता है ना, मकड़ी बुनती है जाल को, तो मैं गुना शिवपुरी अशोकनगर का मकड़ी हूँ। सड़क का जाल मैंने बुन दिया है पूरे क्षेत्र। खरगोन की कृषि उपज मंडी के पास कुछ अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से एक युवक का जानलेवा हमला कर दिया। हमले की यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। खरगोन की कृषि उपज मंडी के पास गुरुवार को कुछ अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से प्रवीण गागले नाम के एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले युवक को दुकान से बाहर खींचा और फिर लात और घूंसों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद एक आरोपी ने धारदार हथियार से उसके गले पर वार किया और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मारपीट की यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की खोजबीन कर रही है। युवक के गले और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज प्राथमिक केंद्र में किया जा रहा है। प्राथमिक इलाज के बाद घायल युवक को इंदौर रेफर कर दिया जाएगा। हमें पता नहीं है कि हमला हुआ है या चोट कैसे लगी है, परंतु मरीज अभी भर्ती किया है, उसका इलाज चल रहा है। मरीज का नाम प्रवीण गांगले है, पिता का नाम सुभाष गांगले है और शायद वो आनंद नगर में रहता है, जिस तरह से वो बता रहा है। और उसको चेहरे पर चोटें आई है, गले पर चोटें आई है। चोटें किस वजह से लगी है अभी अपन हम लोग इस गंभीर स्थिति देखो, अभी तो ठीक है, परंतु आगे क्या होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है। चोट कहाँ, अभी इलाज चल रहा है और आगे इंदौर भेजने की आवश्यकता पड़ सकती है। कोरबा में वन विभाग की टीम ने 12 से 15 फीट लंबा और दुर्लभ प्रजाति का खतरनाक कोबरा पकड़ा है। यह कोबरा घायल अवस्था में एक स्नैक कैचर ने पकड़ा था। कोरबा में वन विभाग की टीम ने 12 से 15 फीट लंबा और दुर्लभ प्रजाति का खतरनाक कोबरा सांप पकड़ा है। दरअसल यह सांप अविनाश यादव नाम के एक स्नैक कैचर ने पकड़ा था, जो कि लोगों के घरों से सांप पकड़कर उनको सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं और उन्हें इस काम के लिए कलेक्टर ने सम्मानित भी किया है।
परिवहन विभाग की टीम उनके घर पहुंची और उन पर सांप का जहर बेचने का आरोप लगाया, जिसके बाद अविनाश यादव ने कई सबूत दिखाकर साबित किया कि वो सांप का जहर नहीं बेचते हैं। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और अविनाश की मदद से ही कोबरा को वापस जंगल में छोड़ दिया है। वहीं इस मामले के बाद अविनाश का कहना है कि वह वन विभाग के रवैये से दुखी हैं और अब वह ये काम छोड़ देंगे। कि एक सांप को जंगल में मार रहे हैं कुछ ग्रामीण लोग, तो मैं और हमारी टीम एक साथ गए वहाँ पर और जाके देखे तो ये किंग कोबरा था और इसको गुलेल से और लकड़ी से मारा जा रहा था। हम लोगों ने उसको सेफली रेस्क्यू किया, देखा तो वो नीचे साइड से पूरा इंजर्ड है। उसको या तो बहुत देर तक वो वहाँ गांव वालों से पूछा भी गया, वहाँ से एक बराती वाली जो बस रहती वो क्रॉस हो रही थी, उसमें से कुछ ड्रिंक किए हुए लड़के थे, वो उसका पूंछ को पकड़ के पूरा खींच रहे थे, तो उसका नीचे का स्किन घिस गया है। आप लोग देखे होंगे अभी फोटोज़ में। और उसके बाद हम लोग उसको सेफली रेस्क्यू करके जब घर लाए, उसके बाद हम लोग चंदन डॉक्टर से भी बात किए तो वो 5 बजे का टाइमिंग दिया और हम लोग एक लेटर रेडी हो गया था DFO सर के पास जाने के लिए। उतने में हमारे घर पे सर्च वारंट लेके आ गए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। DFO साहब को सूचना मिली थी कि अविनाश जो सांप रेस्क्यू करता है उसके पास एक चूड़ी कोबरा है, ये जंगल से पकड़ के अपने घर से लेके आया। सूचना में ये भी था कि वो सांप के जहर का निकाल के उसका बिजनेस कर, उसके नाम से वारंट निकला था घर की तलाशी लेने के लिए। क्या पाए सर? हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो किंग कोबरा है, रैपिड के आसपास का है, जिसको जंगल से पकड़ा गया था, उसका वो वीडियो वायरल हुआ था, तो सांप उनके घर से। बड़वानी में सटोरियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने दबिश देकर पप्पू बंसल के घर से 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। बड़वानी के अंजड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने दबिश देकर पप्पू बंसल के घर से 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 16 मोबाइल फोन सहित सालों से चले आ रहे सट्टे के लाखों का हिसाब किताब भी जब्त किया है। पुलिस ने सट्टा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी को जमानत भी दे दी गई है, पर पुलिस को सटोरियों के रजिस्टर से बड़े खुलासे की उम्मीद है। पुलिस के अनुसार सटोरियों के रजिस्टर से देश भर में चल रहे सट्टे के कारोबार का खुलासा हो सकता है। वहीं शहर के कांग्रेस नेता का कहना है कि यह कारोबार भाजपा नेताओं की सह पर चल रहा था, जिसकी उन्होंने कई बार शिकायत भी की थी। आज मुखबिर की सूचना पर अंजड़ थाना क्षेत्र में ये पता चला था कि ये पप्पू बंसल हैं, इनके घर पे सट्टा चल रहा है। तो उसकी सूचना पर हम टीम लेकर यहाँ आए थे, तो हमें 6 आरोपी मिले हैं और 5,700 समथिंग इसमें पैसे हैं और सट्टा पर्ची रजिस्टर वगैरह मिले हैं। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।